नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ऐतिहासिक किसान महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत छाए रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को सफल बताते हुए उसे ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, इस देश की संसद बहरी हो गई है। स्वाभाविक रूप से नागरिकों को सड़कों पर उतरना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वो केंद्र हमारी मांगों को सुने। टिकैत ने कृषि क्षेत्र में ताकत दिखाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि हम सरकार को या तो उनके पक्ष में मतदान करके या अपने वोट बैंक को कम करके हमारी मांगों को सुनने के लिए कह सकते हैं। ये सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, इसलिए हम उनकी चुनावी संभावनाओं पर सेंध लगाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत घर के पास हो रहे आयोजन के बाद भी महापंचायत खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने अपने गृह जिले में ना रुककर गाजीपुर आंदोलन में शामिल होने के लिए चले गए। महापंचायत के साथ ही SKM ने मिशन UP को भी लॉन्च कर दिया और BJP की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो जल्द ही गुजरात का रुख करेंगे। उन्होंने कहा है कि गुजरात को आज़ाद कराना है, क्योंकि वो आज़ाद नहीं है। इससे पहले महापंचायत में उन्होंने कहा कि सिंधु बॉर्डर ही हमारा मंच है और पंच भी वही है। महापंचायत में अपने संबोधन के दौरान BKU नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूपी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि गुजरात से अपनी चुनावी किस्मत आजमानी चाहिए। इस तरह के बयान के पीछे तर्क और ज़रूरत के बारे में पूछे जाने पर टिकैत ने जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री अगर गुजरात से चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने गुजरात को नष्ट कर दिया है, उन्होंने इसे पुलिस राज्य में बदल दिया। बता दें कि SKM की मुजफ्फरनगर महापंचायत का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण चुनाव से पहले BJP पर दबाव बनाना था। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या केंद्र सरकार या उसकी ओर से कोई आधिकारिक या अनौपचारिक चैनलों के जरिए से किसान मोर्चा तक कोई संदेश पहुँचा है, इस पर टिकैत का जवाब नकारात्मक था। उन्होंने कहा, अभी तो बहुत जल्द ही है, कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राकेश टिकैत ने PM मोदी और CM योगी को यूपी में बहरी बताया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आप उत्तराखंड की जमीन पर जीतकर प्रधानमंत्री बनो, कोई एतराज नहीं करेगा। गुजरात की जमीन पर जीतकर प्रधानमंत्री बनो, कोई एतराज नहीं करेगा, लेकिन यूपी की जमीन पर नहीं। साथ ही राकेश टिकैत ने BJP नेताओं को देश तोड़ने वाला बताया है। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और भी जानकारियों को जानने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।